उस समय साबानों का जब चल रहा था, उस सारे कारोबार में जो एक मंत्री थे, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में जो बात कही है चौंकाने वाली है। मेरे पास उसका सत्यापन करने के लिए कोई अवसर नहीं, मैंने जो सुना है वो मैं बताता हूं। उन्होंने उस समय के कांग्रेस के मंत्रियों के मुंह से क्या बातें निकलती थी वो उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा है, जब वो शाबानों का मसला चल रहा था, तब कांग्रेस के किसी मंत्री ने कहा था, मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। देखिए गंभीर बात है, मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। इफ दे वॉन्ट टू लाई इन द गटर लेट देम बी। नरसिम्हा राव जी ने मुझसे कहा कि भाई तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो, शाहबानों ने भी अपना स्टेंस बदल लिया। वो गलत सही कह रहे थे, गलत नहीं कह रहे थे। जब मौलवियों ने दबाव डाला शाहबानों के ऊपर तो उसने अपना बयान बदल दिया था, कहा मुझे ये सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया ये नहीं चाहिए, तो उसने भी अपना बयान बदल दिया। तुम्हें क्या परेशानी है? और हम कोई सोशल रिफॉर्मर थोड़ी है मुसलमानों के, अगर वो गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो। तो मैंने कहा साहब, मैं फेमिनिस्ट के तौर पे मेरी कोई रेपुटेशन नहीं है कि मैंने महिला अधिकारों की बड़ी लड़ाई लड़ी हो। मेरे सामने पर्सनल इंटेग्रिटी का सवाल है, मेरी अपनी नैतिकता क्या है। मैंने 55 मिनट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफेंड किया है लोकसभा में। अब सरकार कह रही है कि इस फैसले को बदलने के लिए हम कानून ला रहे हैं, तो मैंने कहा मैं अकबर का बीरबल नहीं हूं कि एक दिन उसने कहा बैंगन बहुत अच्छी सब्जी है तो बीरबल ने 100 उसके गुण बता दिए, और जब अकबर ने कहा कि बैंगन बहुत खराब सब्जी है तो उसने 100 दुर्गुण बता दिए। मैं कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। तो ये बात मैंने आज नहीं कही, ना इंटरव्यू में ना किसी आर्टिकल में, ये तो 7 या 8 साल पहले की बात है। और चूंकि वो बहुत लंबा इंटरव्यू था, पूरा एक एपिसोड था, तो उन्होंने हर तरह के सवाल पूछे, मैंने ये बता दिया। प्रधानमंत्री को शाबानो याद है, तबरेज़ अंसारी याद नहीं आया, इखलाक याद नहीं आता उनको, पीलू खान याद नहीं आते उनको, अलीमुद्दीन अंसारी याद नहीं आते उनको, याद नहीं आता कि उन्हीं के मंत्री के लोगों ने अलीमुद्दीन अंसारी के खातिलों को फूल का हार पहनाया था। तो और अगर कोई ये गटर में रहने की बात कर रहा है, कौन रख रहा है पीछे को नीचे? आप रख रहे हैं। इस पार्लियामेंट में कितने मुसलमान MP जीत कर आए? 300 में से आपके पास है ही नहीं। तो ये जो है ना, ये इनकी आइडियोलॉजी में, इनकी बोलने में और करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है।